पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, खैरियत से हैं? दिस इज़ मंसूर फ्रॉम सुपर शेफ। तो मैं इस वक्त हूँ अंतालिया में। इस्तांबुल की से फ़्लाइट थी मेरी और एक घंटे की फ़्लाइट थी और इस वक्त मैं अंतालिया में हूँ। और अंतालिया ये एक रिज़ॉर्ट सिटी है टर्की का और बहुत ही खूबसूरत है और अपने बीचेस की वजह से बहुत फेमस है। बड़ा प्लेजेंट वेदर होता है यहाँ पर और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। तो आपको मैं थोड़ा सा अंतालिया दिखाऊंगा और साथ ही यहाँ का हम फूड एक्सप्लोर करेंगे। बड़े ब्यूटीफुल वॉकिंग ट्रैक बनाए हुए हैं इन्होंने, साथ ही साथ सारे रेस्टोरेंट्स हैं और कैफेज़ हैं और बड़ा चिल माहौल बनाया हुआ है यहाँ पर। लंच के लिए कोई स्पॉट हमने फाइंड करना है तो लेट्स गो एंड सी व्हाट वी गेट हियर। मैं असल में रिव्यूज़ देख के थोड़ा सा अपने वर्किंग करके आया हूँ और आज बेसिकली मैं चाह रहा था कि टर्किश शर्ट के कुछ खाना ट्राई करें। तो एक रेस्टोरेंट मुझे मिला है जहाँ पे जो स्टेक्स वगैरह हैं और बर्गर्स वगैरह ये काफ़ी अच्छे मिलते हैं, रिव्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव हैं और आज देखते हैं कि एक्चुअली फूड कैसा है। इसका नाम है वहाब रेस्टोरेंट और इसके जैसे मैंने बताया रिव्यूज़ पॉजिटिव हैं। लेट्स सी कि एक्चुअली फूड कैसा है। मैं इस वक्त हूँ रेस्टोरेंट के अंदर और इस रेस्टोरेंट की जो स्पेशलिटी है वो स्टेक्स है और इसके अलावा बर्गर्स भी हैं और टर्किश फूड ऑब्वियसली है। मगर मैं यहाँ पे स्टेक्स ऑर्डर करने जा रहा हूँ, मगर आपको एक क्विकली मैं मेन्यू दिखाता हूँ क्योंकि मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं और जो फूड मैंने सेलेक्ट किया है वो क्या। तो वी हैव सैलेड ओवर हियर और कोल्ड डिशेज़ हैं, हॉट डिशेज़ हैं और आप देख सकते हैं ये तवालार इनकी एक कुजीन टाइप है, उसमें से मैं ये ऑटोमन मैरिनेटेड मीट ये मैं ऑर्डर करने जा रहा हूँ। इसका बेसिकली मैंने इनसे पूछा है कि ये इनकी मैरिनेशन वगैरह क्या होती है, तो इट लुक्स कि ये टेस्ट में अच्छा होगा और थोड़ा सा इसमें जो स्पाइस टच भी ऐड होगा। बटर टेंडरलॉइन और ये 500 ग्राम है और इसकी जो प्राइस है 276 टर्किश लिरा। तो ये इनकी एज्ड मीट होता है, मतलब उसको वो पूरा टाइम देते हैं और ड्राई करते हैं और उसके बाद ही स्टेक बनाते हैं। तो लेट्स सी कि इनकी जो स्टेक है जिस तरह इनकी रिव्यूज़ है उस लेवल की है कि नहीं। ब्रेड सर्व की है और एक साथ सॉस है, बिल्कुल डिफरेंट है अभी तक जहाँ भी मैंने खाना खाया है। उनके साथ सॉल्टी सा फ्लेवर है और थोड़ी सी सर्विंग में इन्होंने थोड़ी सी हॉट की है, ठीक है। ये प्रॉब्ली कॉर्नफ्लोर है इसमें और सॉल्टी सा फ्लेवर है इसका। मे बी आई थिंक ये शायद छूटी हो क्योंकि ये एक्चुअली जो मैंने ऑर्डर किया उसमें नहीं था, ये इन्होंने खुद इनकी सर्विंग में जो बीफ स्टेक है वो सर्व हो गई है। इसे टोटली बटर में कुक हुई भी है। ओके यार, आउटस्टैंडिंग टेस्ट है इसका, बिल्कुल जूसी है और बिल्कुल नरम है। इस मुँह में डालते ही जो है ना ये टाइम नहीं लगता इसको ख़त्म होने में ना। स्पाइसी इसमें बहुत लाइट है और इसकी जो स्पेशलिटी है कि ये सारी की सारी ये बटर के अंदर कुक होगी और ये भी एक स्पेशल टर्की स्टाइल है स्टेक का, जो नॉर्मली हमारे यहाँ तो ग्रिल होती है स्टेक या पैन पे उसको करते हैं, मगर ये तो पूरी हॉट प्लेट के अंदर नीचे बटर है और ऊपर पूरे स्टेक के जो पीसेज हैं वो सारे में रखते हैं। तो सो फार सो गुड। और जो नेक्स्ट पीस थी हमारी वो जो ऑटोमन सीजनिंग के साथ था मैरिनेटेड चिकन, वो भी सर्व हो गया है और वो देखें उसकी बड़ी यूनिक प्रेजेंटेशन है। वो पूरी उसकी जो कवरिंग है वो डो के साथ की हुई है, ग्रेवी है और ये लैम है ये देखें और ऊपर ये इसके ऊपर जो चीज़ है इनकी टमाटो भी इसमें ऐड है, कैप्सिकम और मेरा ख्याल है इसके अंदर भी जो होता है ये इसकी जो ग्रेवी होती है तो बेसिकली ये वेजिटेबल स्टॉक होता है इसके अंदर। इसको चेक करते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह का है।
इसका बिलीव मी अल्टीमेट गेट है, जितना ये टर्किश जो करीब है उनको मैं पर्सनली थोड़ा अंडरस्टिमेट करता था, मेरा तो बिल्कुल ही बिलीव ही चेंज हो गया। मेरा मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी रिच फ्लेवर में ये करीज होगी, इतनी रिच फ्लेवर में होगी कि उसका आप जब एक बाइट लेते हैं तो उसका जो फ्लेवर है आपके मुंह में काफ़ी देर तक है। एक तरफ स्टेक है और एक तरफ ये है, बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया कि कौन सी चीज़ पहले खाए। जस्ट फिनिश द मील और ओवरऑल बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ का, और मैं तो आज चाह रहा था कि टर्किश की बजाय कुछ और फूड ट्राई करें, मगर ये कि यहाँ पर आके जो स्टेक थी वो भी टर्किश स्टाइल में थी और प्रॉपरली बटर में बनी हुई थी सारी की सारी, और बहुत ही टेंडर जूसी नरम और मुँह में डालते ही घुलने वाला मीट था। ऑटोमन सीजनिंग के साथ वो करी थी, और जिसके अंदर आपको मैं कह रहा था कि उसके अंदर जो वेजिटेबल का स्टॉक था वो था, और उसके अलावा उसके अंदर मशरूम भी थे, तो वो एक सारा मिल के बड़ा एक अच्छा और यूनिक सा फ्लेवर बन रहा था, बहुत मज़ेदार फ्लेवर बन रहा था। तो आज का तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो आई होप कि हम नेक्स्ट भी कोई अच्छा पॉइंट या अंतालिया में फाइंड करते हैं, तो जैसे ही मैं किसी नए रेस्टोरेंट में जाऊँगा कहीं नई जगह पर फूड ट्राई करूँगा तो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो लाजमी बनाऊँगा, ताकि आप में से जो लोग यहाँ आए तो उनके लिए एक थोड़ी सी एक गाइड बन जाए, और जो लोग नहीं भी आ सकते तो एटलीस्ट उनको भी मैं अपनी तरफ से एक वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें दिखा सकूँ अंतालिया कैसा है, यहाँ का फूड कैसा है। तो जनाब फिर मिलेंगे किसी नई डेस्टिनेशन पे और किसी नई यूनिक डिश के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।